दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल। वी हैंडेड ओवर द भीष्म क्यूब्स व्हिच कंटेन मेडिकल सपोर्ट इक्विपमेंट। है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का रुतबा जो है वो दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे देश की जो लीडरशिप है वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और भारत एक स्ट्रांग कंट्री की फॉर्म में, ना सिर्फ स्ट्रांग कंट्री की फॉर्म में बल्कि एक लीडर की फॉर्म में उभरता हुआ नजर आ रहा है। जो लीडरशिप अमेरिका चाहता था, बनना चाहता था, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से लोग उसके दबाव में तो रहे लेकिन उसके पीछे नहीं रहे। आप क्या देखते हैं? कई लोगों का तो कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब गए यूक्रेन अंडर वेस्टर्न प्रेशर है, अमेरिका के और उसके इत्तेहादियों के अंडर प्रेशर वहां पे गए हैं, क्योंकि प्रेशर ये था कि आप पुतिन को तो मिलना है, वहां चप्पियां डालना है, और आपने यूक्रेन जो है उसको लिफ्ट नहीं कराई। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगजदा लोगों के लिए, वो एक तरफ ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े वल पे नजर आया है। अगर आपको एक मुल्क ऐलान कर दे जी हम आज रूस को तबाह कर देंगे तो आप अपनी बाजा लेके उसके पीछे खड़े हो जाएं तो फिर आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना। इसके लिए आप जाहिर है एक इंटरनेशनल ओपिनियन क्रिएट करें, और अगर होती है तो उसके साथ अब ना खड़े हों तो ये भी गलत है। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जो एक देश दो ऐसी कंट्रियों में बैक टू बैक गया है जो आपस में जंग कर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ भारत ही कर सकता था। आज भारत की विदेश नीति से पूरी दुनिया हैरान हो गई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक करना बंद कर दिया है, वरना लगातार रशिया यूक्रेन पर गोला बरसा रहा था। आज से एक महीने पहले जब पीएम मोदी मॉस्को के विजिट पर गए थे तब अमेरिका सहित पूरे वेस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को विजिट की आलोचना की थी। साथ ही जेलेंस्की ने यहाँ तक कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सबसे बड़े मॉडरेट से गले मिल रही है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका जवाब भारत ने नहीं दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से सीधे यूक्रेन पहुंचे। पीएम मोदी के कीव पहुंचने पर ही भारतीय समुदाय के लोग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उन्होंने इस बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम में पहुंचे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जिसमें दोनों भावुक होता देखा जा सकता है। दरअसल यहाँ दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। आज भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत शांति के पक्ष में है। आप क्या देखते हैं? कई लोगों का तो कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब गए यूक्रेन अंडर वेस्टर्न प्रेशर है, अमेरिका के और उसके इत्तेहादियों के अंडर प्रेशर वहां पे गए हैं, क्योंकि प्रेशर ये था कि आप पुतिन को तो मिलना है, वहां चप्पियां डालना है, और आपने यूक्रेन जो है उसको लिफ्ट नहीं कराई, तो ये अंडर प्रेशर उन्होंने किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हम अमेरिका की सैंक्शंस को कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि ये बेसिकली इंडिया जो है वो दोनों साइड पे खेल रहा है, मतलब उनको ये भी कह रहा है कि हम आपके साथ काम भी कर रहे हैं लेकिन उनकी सैंक्शंस की परवाह भी नहीं कर रहा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया दोनों तरफ से खेल रहा है। ये इंडिया की बड़ी वेल नाउन और वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है कि ये जो इंटरनेशनल बायलैटरल तसादम है हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये हिस्टोरिकली इंडिया ने प्रूव किया, और बाहर आपसे भी मेरी इसी फोरम पे ये डिस्कशन होती रही है, नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके आप हिस्टोरिकली स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि जहाँ कहीं भी कोई इंटरनेशनल ये जो पावरफुल कंट्रीज़ के दरमियान तसादम हुए हैं उसमें इंडिया ने अपने आप को बड़ा कामयाबी के साथ सक्सेसफुली उसने सेफली नेविगेट किया, सब अलग किया। लेकिन इंडिया के ये कहने का मतलब ये है कि बायलेटरल के बजाय आप इसको इंटरनेशनली अगर एक यूनिफाइड डिसीजन के तौर पे सामने लाते हैं तो हम उसको मानेंगे, और ये बड़ी प्रिंसिपल स्टैंड है। ये मैं आपको बता दूं, यही स्टैंड है जो आपको दुनिया में ले जाके तो एक इंडिपेंडेंट जो है स्टैंडिंग देता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आपको एक मुल्क ऐलान कर दे जी हम आज रूस को तबाह कर देंगे तो आप अपनी
बाजा लेके उसके पीछे खड़े हो जाएं तो फिर आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना। इसके लिए आप जाहिर है एक इंटरनेशनल ओपिनियन क्रिएट करें, और अगर होती है तो उसके साथ आप ना खड़े हों तो ये भी गलत है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं, उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहाँ पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए, और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ, उसने सब चीज़ों को मात दे दिए। आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफेद वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशनल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना जंग ज़दा इलाका वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल एड इन डिजास्टर एरियाज, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। द भीष्म क्यूब जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है, जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज विद ए फोकस ऑन रैपिड रेस्पॉन्स एंड कॉम्प्रीहेंसिव केयर। द यूनिट का जो इसका वेट है 720 किलोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ 72 इजी ट्रांसपोर्टेबल कॉम्पोनेंट्स। These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो cube है, ये innovative design, ये allow करता है to be operational within just 12 minutes of deployment. A critical feature in emergencies where every second counts. Can you believe it? This is unbelievable.